चुके हैं, यानी कि अब हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करेंगे। और हमारे पास एक नहीं दो दो बड़े ही सुरीले संगीतमय मेहमान मौजूद हैं। और जैसा कि कल हमने कंपटीशन भी किया था और कंपटीशन के दौरान हमने एक नाम से जो है मनाही कर दी थी कि ये नाम नहीं, क्योंकि ये नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है और हम चाहते थे कि बाकी तीन नामों में से आप हमें नाम बताएं। लेकिन आज हम उसी नाम को लेकर हाजिर हो रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, और ये हैं द वन एंड ओनली मुख्तार शाह। मुख्तार शाह जी से बात करते हैं एंड उनका स्वागत करते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग मुख्तार शाह जी, कैसे हैं आप? नमस्कार एंड आपका स्वागत है। नमस्कार आदाब अंबर जी, आपको भी और इस वक्त सबरस सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच एंड लवली टू हैव यू बैक ऑन द शो। थैंक यू, मुझे भी बहुत खुशी है वापस एक मरतबा फिर आज ही मैं आया हूँ यहाँ पर, और कल आपके शहर में सब लोगों से मिलने का मुझे भी इंतजार रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ये जुमला तो संगीत की तरह लगा मुझे कि आपके शहर में आमतौर पर गजल में होता है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा वाह वाह वाह, रूह सुकून मिल गया रूह को। लेस्टर लेस्टर आना हमेशा एक खुशी का वो मेरे लिए जरिया रहा है जी। वहाँ पे लोगों ने बहुत प्यार दिया है और खासतौर से हमारे इंडियन लोग काफी सारे वहाँ पर रहते हैं जी, और जब कभी भी आया हूँ तो लोगों ने बहुत भरपूर प्यार दिया है, इसलिए हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि लेस्टर का परफॉर्म करना है जी। आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि लोगों को आपसे प्यार हो जाता है खुद ब खुद। और कल हमने एक कॉम्पिटिशन रखा था और चार क्योंकि आप लोग हैं इस शो में जो आ रहे हैं, तो मुझे पता था सभी आपका नाम सबसे पहले लेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए तो बहुत सरदर्द वाली बात हो जाएगी कि मैं इतनी सारी पर्चियां बनाते बनाते थक जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्तार शाह जी का नाम नहीं ले सकते हैं आप, मुझे बाकी तीन नामों में से बताइए। अच्छा, तो इसीलिए कल आपके नाम पर जो है मैंने रोक लगा दी थी, मैंने कहा नहीं मैं थक जाऊंगी, पर्चियां बनाते बनाते वक्त खत्म हो जाएगा और लेकिन ये पर्चियां खत्म नहीं होंगी। चलिए, तो मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और आप लोगों का इतना प्यार और आपका हमेशा इतना सपोर्ट और साथ रहता है जी, ये बहुत खुशी की बात है। वेल, वो कहते हैं ना कि शख्सियत इंसान की अगर ऐसी हो जैसे बहार तो फिर लोगों को इंतजार रहता ही है जी जी जी। और आपके तो चाहने वाले आप जानते ही हैं, आप आते हैं लगातार आते हैं और रेगुलर आते हैं, और आपसे जो है लोगों का मिलना जुलना, अगर इतने बरसों बाद भी लोग आपका इंतजार करते हैं तो कोई तो बात होगी। नहीं, सही बात है, मैं इसके लिए मेरा पूरा श्रेय मैं देता हूँ हमारे भारतीय सिनेमा का जो संगीत है जो, और उसमें भी खास तौर से जो पुराना संगीत है, और जो लोगों ने काम किया है, मुकेश जी ने जो गाने गाए हैं, जिस तरह से ये म्यूजिक बना है, जो गाने बने इतने खूबसूरती से लिखे गए हैं जी, इतनी सहजता के साथ गाए गए हैं और इतना अच्छे से म्यूजिक उसका बनाया गया, कंपोज किए गए हैं, आज इतने सालों के बाद जो 50-60 साल पुराने गाने भी आज हम सुनते हैं जी, तो वो इतना ही दिल को सुकून देते हैं, दिमाग को खुशी देते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज भी पुराने गीतों की जब भी महफिलें सजती हैं तो इतनी ही तादाद में लोग हमेशा आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और अब भी आप एक बड़ा ही प्यारा सा शो लेकर आ रहे हैं और नाम भी उतना ही खूबसूरत है, यादों का सफर। जी जी, यादों का सफर लेकर कल लेस्टर के प्यारी जनता के खिदमत में हम हाजिर रहेंगे, शाम 8 बजे प्रोग्राम रहेगा, और हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं जो वहाँ पे राडिया साहब, उन्होंने सब कुछ वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू लेस्टर टुमारो। आई गेस राडिया एक ऐसा नाम बन चुका है कि कोई भी शो हो उनके नाम के बिना, तो अगर उनका नाम कहीं नहीं है तो लगता है कि शो ही नहीं हो रहा, उनके लिए भी ऐसा हो गया नाम ही काफी जी। बिल्कुल, तो वो जो है उन्होंने अपनी जगह बना ली हुई है, और उनसे मैं तो जब से लेस्टर आई हूँ सबसे पहले मैं उन्हीं से मिली थी, और तब से जो है एक परिवार जैसा नाता भी बना हुआ है, तो इट इज ब्यूटिफुल इंडीड एंड बस यही कह सकती हूँ। तो सबसे पहले उन दिनों नवनीत भाई हुआ करते थे, तो उनसे मेरी बात हुई, उसके बाद खैर अब तो चले बात कुछ और हो जाती है, लेकिन लौट कर आते हैं हम यहाँ पर, तो आपसे हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा इस शो के बारे में कि इस बार क्या अलग लेकर आए हैं आप। ये कल के प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली इस मरतबा ऐसा है कि ये जीएस के प्रमोशन जिन्होंने हमें इस मरतबा ये यूके टूर पर बुलवाया है जी, तो ये लोगों ने खास तौर से रफी साहब, मुकेश जी और किशोर कुमार तीनों के गानों का ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम रखा है, और मेरे साथ जो दूसरे दो सिंगर जो रफी साहब और किशोर कुमार वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत गाने वाले दोनों
मेरे दोस्त हैं yeah. और एक जो लड़की हमारे साथ आई है शी इज ऑल्सो वेरी वर्सेटाइल और ब्यूटीफुल वॉइस है उनका जी तो सब कुछ इट विल बी अ गुड मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग और सभी पूरा जो एज ग्रुप है सबको एंटरटेनमेंट पूरी तरह से मिलेगा एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम है वो इतना सेटिस्फैक्ट्री होगा कि जो लोग भी आएंगे जी दे विल रिमेम्बर दिस कॉन्सर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम वेल आपको तो लोग वैसे भी हमेशा याद रखते ही हैं आप भूलने की चीज तो है नहीं और ऐसे में अगर आपके साथ आर्टिस्ट कुछ और ऐसे आ रहे हैं जो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है तो फिर तो कहना ही क्या और हमारे साथ जो म्यूजिशियंस भी हैं वो भी यहाँ के ये कभी हम लोग इंडिया में काफी साथ में काम करते थे अब ये सारे हमारे दोस्त हैं वो सब यूके में रहते हैं तो उन्हीं का पूरा ग्रुप है जो सोनू हैं वो पूरा ग्रुप कंडक्ट कर रहे हैं तो म्यूजिशियंस भी हमारे साथ हैं बड़ी बेवफाई की उन्होंने खुद यहाँ आ गए आपको वहीं छोड़ दिया हारमोनी अभी इंडिया में भी कुछ लोगों को रहना चाहिए ना हाँ ये भी है आता जाता रहे इंसान तो अच्छी बात है चलिए आपसे बात जब भी होती है मुख्तार जी बहुत अच्छा लगता है ये लगता ही नहीं कि हालांकि मुझे लगता है हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं अब तक लेकिन बहुत समय हुआ और चलिए कोशिश करेंगे कि दोबारा भी मुलाकात हो लेकिन कल हाँ हाँ मेरी आपको खास ये गुजारिश है और मेरा दिल से इनविटेशन है कि आप प्लीज आइए कल तशरीफ लाइए कल प्रोग्राम में आपसे वहाँ पर भी मुलाकात हो और एक खूबसूरत संगीत के माहौल में और गीतों की महफिल में मुलाकात होगी तो वो एक उसका एक अलग मजा होगा इनविटेशन ऐसे थोड़े ना होता है इनविटेशन जरा अलग अंदाज में होना चाहिए अच्छा वो अंदाज में चलिए कल जब मिलेंगे तब नहीं नहीं वो अभी होना चाहिए क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हैं ये तो हो नहीं सकता कि रुखा रुखा आप बातें करके चले जाएं तो इनविटेशन गाने के अंदाज में होना चाहिए हाँ हाँ चलिए आप भी इतनी खूबसूरत आवाज के लिए अभी इतने दूर से मैं बैठे हुए तो मुकेश जी की दो लाइनें गा सकता हूँ कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए क्या बात है कल गुज़िश्ता कल विमेंस डे था तो इस मौके पर औरत की इससे ज्यादा खूबसूरत तारीफ मेरे दिमाग में फौरन नहीं आई है जी। मैंने आपकी तारीफ में ये तीन लाइनें गाई हैं और इस वक्त जो लोग भी सुन रहे हैं उसमें खासतौर सभी लेडीज को हैप्पी विमेंस डे और आपको भी थैंक यू सो मच मैं समझता हूँ कि इतना सुनकर आप जरूर कल तशरीफ लाएंगी प्रोग्राम में मैं वादा नहीं करूंगी मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मैं जुबान की बहुत पक्की हूँ अगर मैंने कुछ कह दिया देन कम वॉट में फिर मैं वो बात पूरी करती हूँ इसीलिए मैं वादा बहुत ही सोच समझ कर किया करती हूँ जी तो बट मैं कोशिश पूरी करूंगी क्योंकि एक तो मुकेश जी की आवाज दूसरा हमारे साहिर जी की कलम यहाँ पर तो इनकार का तो सवाल नहीं उठता लेकिन थोड़ी बहुत कमिटमेंट्स और भी होती हैं बट मैं पूरी कोशिश करूंगी जी एंड 99% मेरा शायद मैं आ पाऊं लेकिन वो 1% का जो डाउट है उसके चलते मैं अभी वादा नहीं कर रही एंड आते हैं यहाँ पर और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने जो सुनने वाले हैं बस उनको? मैं थोड़े अरसे के बाद वापस आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी है इंग्लैंड आने की एक बार फिर से और खासतौर से कल लेस्टर के प्रोग्राम के लिए काफी मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पुराने सभी मिलने वाले सभी संगीत के चाहने वाले लोग कल वहाँ पर रामगढ़िया हॉल में मुझे मिलेंगे 8 बजे शो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह और एक खूबसूरत प्रोग्राम कल सजाएंगे जी मेरे साथी जो है इस वक्त विश्वनाथ मेरे साथी बैठे हुए हैं बिल्कुल तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी जी मैं भी थैंक यू सो मच मुख्तार जी थैंक यू सो मच टॉकिंग टू यू प्लेजर्स माइन थैंक यू और अब चलिए विश्वनाथ जी से बात करते हैं विश्वनाथ जी अगर आप लाइन पर आ चुके हैं तो आपका भी स्वागत है फोन के रास्ते ही सही और हमारे सबरस रेडियो के स्टूडियोज में मैं यानी कि अंबर आपका स्वागत करती हूं प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो में वेलकम टू द शो एंड आप कैसे हैं बिल्कुल अंबर जी मैं ठीक ठाक हूं लेकिन मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं आपके खिदमत में आपके लिए दो लाइनें गाना चाहता हूं हो जाए क्योंकि इतनी प्यारी आवाज है आपकी
थैंक यू सो मच। खास ये अपना तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ये जो दो लाइनें थी ये खास आपके नाम थी। थैंक यू सो मच, आई एम रियली टच, शुक्रिया दिल की गहराइयों से। और मैं क्या कहूँ, आपने तो मुझे मेरे सारे सवाल ही भुला दिए कि मैं आपसे क्या पूछने वाली थी। तो चलिए, अब आप क्या लेकर आए हैं विश्वनाथ जी? जी बिल्कुल, ये जो प्रोग्राम है, मैं दिल से चाहता हूँ कि लेस्टर में जो है संगीत के चाहने वाले काफी जी ज्यादा हैं और काफी पसंद करते हैं पुराने म्यूजिक को, तो मैं एक बार फिर उनसे कहना चाहता हूँ, दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये शो है वो कैसे भी करके वो लोग देखें, क्योंकि लंदन का नंबर वन ग्रुप हार्मनी भी वहाँ परफॉर्म कर रहा है। जी हार्मनी बहुत ही सुना सुना सा नाम है और उनको देखा हुआ भी है परफॉर्म करते हुए। जी और ऐसे में कहते हैं ना कि एक तो आवाज खूबसूरत, ऊपर से अगर अंदाज भी उतना ही दिलकश हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और जब अंदाज इंसान का बहुत ही अलग सा होता है तो फिर तो इंसान के बचने का कोई रास्ता बचता ही नहीं, सुनने वाला कायल भी और घायल भी। बिल्कुल, क्या बात है, है कि नहीं? तो इसके अलावा ऑडियंस जो है, आपने ये ट्रेलर तो हमें सुना ही दिया है, तो फिल्म का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। ऐसे में आपके साथ कोशा पंड्या भी आ रही हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे सुरीली सिंगर है वो। जी मुख्तार जी भी हैं। मुख्तार जी तो जी जवाब नहीं। जी और आपका भी जवाब नहीं। और मैं वही कह रही थी, जब कप्तानशिप का इतना वो समझदार हो और टैलेंटेड हो तो फिर जाहिर बात है उसकी टीम भी उतनी ही टैलेंटेड होगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तो कप्तान जिसको भी लाएगा वो 21 ही होगा, 19 तो होगा नहीं। है ना? थैंक यू, थैंक यू। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और आप अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना प्यारा प्रोग्राम है तो ये इस प्रोग्राम को मिस ना करें और कल कैसे भी करके वो प्रोग्राम देखने के लिए आए। जी एंड आई एम श्योर कि लोग जरूर आएंगे, क्योंकि आवाज का जादू जो होता है ना, वो कोई हमसे पूछे कि अच्छी आवाज का जादू क्या होता है। बिल्कुल। तो चलें विश्वनाथ जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम पर आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्लीज याद दिला दीजिए, कहाँ कितने बजे? कल राम गढ़िया सेंटर। जी हाँ, हाँ जी जी, और 8 बजे शुरू होगा ये प्रोग्राम। ओके, तो मेरे दिल से गुजारिश है कि आप सब आइए जो भी संगीत को चाहने वाले हैं। जी मुझे पता है कि लेस्टर में जितने संगीत के चाहने वाले हैं जी और कहीं नहीं मिलेंगे। वेल आई एम श्योर कि आपके लिए जो यहाँ पर प्यार है लोगों के दिलों में, और आप थोड़ा सा इससे पहले कि आप, मैं जानती हूँ समय की भी कमी है, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। एक्चुअली मेरा पूरा नाम है विश्वनाथ बटुंगे और आई हैड पार्टिसिपेटेड सारेगामापा चैलेंज 2005 एंड 2006। Yeah. मैंने VTV पर 32 एपिसोड्स किए हैं। मैं आदेश श्रीवास्तव जी के घराने में था जी, और मैंने क्लासिकल संगीत ट्रेनिंग मैंने रविन्द्र जैन जी के पास ली है। हाँ जी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने रफी साहब के लेकर आया हूँ जी, खास आपके लिए। और दो लाइनें और अंबर जी मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। हो जाए, थैंक यू फॉर दैट। खास अंबर जी के नाम है ये दो लाइनें। थैंक यू। तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तू ही वो हंसी है, हाय तू ही वो हंसी है। थैंक यू सो मच, इतना खूबसूरत। और अब तो टिकट खरीद के भी आना पड़ा तो मैं आऊंगी, क्योंकि बाकायदा आपने बेशक इनविटेशन दिया है, मुख्तार जी ने दिया है। लेकिन थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू, तो मिलते हैं वहां पर। बिल्कुल, थैंक यू, हैव अ लवली डे। थैंक यू।
और ये थे विश्वनाथ बाटुंगे जी। और अब चलिए, घड़ी की सुइयां कहती हैं हम आपको आगे ले चलें आज के ट्विन क्लासिक्स की तरफ। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम अपने दोनों मेहमानों का जिनसे अभी बात हुई। मुख्तार शाह जी, मैंने कल इसीलिए उनके नाम का जो है वो लगा दिया था क्योंकि मैं जानती थी सभी उनका ही नाम लेंगे और मैं पर्चियां बनाते बनाते थक जाऊंगी। और विश्वनाथ बाटुंगे जी उनके साथ हैं। इसके अलावा जो बाकी कलाकार आ रहे हैं, कोशा पंड्या भी हैं एंड ऑफकोर्स जंपिंग जैक कहलाते हैं जो राकेश राज, वो भी हैं। और ऐसे में एक बहुत ही खूबसूरत शाम कल आपके लिए तैयार हो रही है, तो आपको भी वहां पहुंचना है। और कोई इतने खूबसूरत अंदाज में इनविटेशन दे तो फिर इनकार कैसे करे कोई, सोचने की बात है ना। और अब चलिए, मैं एक बार फिर से अपने दोनों मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूं। उन्होंने हमारे लिए इतनी खूबसूरत लाइनें सुनाई हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि आज के ट्विन क्लासिक्स जो हैं मैं उनके नाम करूं। सो विश्वनाथ जी, आपके नाम करूंगी अपने आज के ट्विन क्लासिक्स, और साथ ही मुख्तार शाह जी आपके नाम भी और आपकी पूरी टीम के नाम भी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट टुडे।